बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है सलमान पसरूरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्योंकि ये भी एक अल्लाह की नेमत है, सर्दी नेमत है, गर्मी नेमत है, हर कुछ अल्लाह की नेमत है। और सर्दी भी इंसान के लिए ज़रूरी है, गर्मी भी ज़रूरी है। बात यह है कि गर्मी का सीज़न चल रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब सर्दी का सीज़न होता है तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। देख सकते हैं कि सुबह सुबह बादल हो जाते हैं, हवा चलना शुरू हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। ये अल्लाह की मर्ज़ी की बात है ना, जब अल्लाह का हुक्म होना है तो बारिश हो जानी है, लेकिन अभी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी बेहतर है, मतलब कि दोपहर की नस्बत 1-2 बजे की नस्बत मौसम काफ़ी बेहतर है, नॉर्मल हुआ है। लेकिन ये कि गर्मी है और ये आप देख सकते हैं कैसे पत्ते हिल रहे हैं दरख्तों के, लेकिन जब ये 12 बजते हैं, 1 बजता है, सूरज निकलना शुरू हो जाता है, बादल साइड पे हो जाते हैं सूरज के आगे से, ये बिल्कुल बादल आगे आए हुए हैं, तो वैसे ही मतलब कि गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। रूम में तो सोया नहीं जा रहा, जिसके पास कूलर हैं या एसी हैं वो सो रहे हैं, तो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं उनको, वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह सबको दे अपने खजाने में से, उसके घर में कोई कमी नहीं। लेकिन बात यह है कि मैं भी रात को बाहर सो रहा हूँ सेन में, रात के 2 बजे बारिश की जल्द उन्हें पड़ी थी, हवा भी चलना शुरू हो गई तो बादल भी चमकने लगते हैं, क्या बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। मैं फ़ौरन उठा, उठ के 4 बजे अंदर लेके गया, पंखा चलाया और लेकिन बारिश नहीं हुई। तो ये भी पहली बात अल्लाह की मर्ज़ी की बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 तारीख के बाद मौसम ठंडा होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त का काम है सुबह सुबह उठ के गाड़ी के ऊपर बैठ के 30 से 35 किलोमीटर सफ़र तय करके सियालकोट जाना और वहाँ जाके फिर दोबारा काम करना। यकीन माने गर्मी इतनी शिद्दत होती है कि कपड़े खुशक होते ही नहीं है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। लेकिन ये कि अल्लाह की मर्ज़ी की बात है, यहाँ रब रखे राजी रहना पड़ता है, और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह आसान रोज़ी अता फरमाए। पुलिस आ रही है और ठंडी गुजर रही है, बारिश होगी, देखते हैं आगे जो मालक को मंजूर है। और आज का मौसम भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी अभी मैं उठ के घर से आया हूँ काम पे, चुन्ने फाटक पे खड़ा हूँ, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये बोर्ड लगा चुन्ने फाटक का, और यहाँ से गाड़ी पर बैठ कर सियालकोट जाऊँगा। आज तो पैसे भी नहीं है पास, गाड़ी वाले से उधार करना पड़ेगा, कोई नहीं, देखते आगे जो अल्लाह को मंजूर है। जी तो जनाब मैं आ गया हूँ अब सियालकोट, अभी तक तो सूरज नहीं निकला लेकिन गर्मी है, हवा बहुत कम चल रही है, और आज सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, पैसे पास कम थे, और बस वाले के साथ भी उधार किया कि यार तुम्हें कल दूंगा, कल ही तो आ रहा है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह उसे पैसे दे दूँगा। तो और आप देखता हूँ कि नाश्ता कहाँ से करो, बोल पैसे भी मुनासिब हैं और नाश्ते के बगैर निज़ाम भी नहीं चलता। तो ये जनाब आ गया मैं कारखाने की गली में, और अब यहाँ से मैं अपने कारखाने जाऊँगा जहाँ पे काम करता हूँ। गर्मी यार बहुत ज़्यादा है और गर्मी दाने भी बने हुए हैं, बस अल्लाह ही अल्लाह करके काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक नया होटल डला है, उस होटल से खाना खा के देखता हूँ चावल क्या रिजल्ट है। और अब यहाँ पे आ गया फिल्टर पे पानी पीऊँगा, थोड़ा सा मुँह धोऊँगा। अल्लाह करीम का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने पानी ऐसी नेमत बना के और हमें फ्री दे के हम पे एहसान किया। अभी मैं आया हूँ और मुँह धोया और पानी पिया है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है। और अल्लाह पाक हर किसी को अपने ख़जाने में से एहसान रिज़्क़ अता फरमाए और मुझे भी। आमीन। पीछे तो होटल बंद था जहाँ से मैंने नाश्ता करना था, लेकिन अब आगे जाने लगा हूँ, देखता हूँ होटल खुला है या वो भी बंद है। वो बहुत ज़ोर की लगी हुई है, नाश्ता नहीं किया अभी। तो जनाब चावल ले लिए हैं मैंने और अब खाने लगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और चावल ले लिए हैं, दाल डलवा लिया ऊपर और खाने लगा हूँ। पहली दफ़ा खाने लगा और देखता हूँ क्या है इसका। Okay.
जनाब जी ठंडा पानी आ गया, ठंडा पानी पिएंगे। जनाब 8 बज गए हैं और मैंने नाश्ता भी कर लिया है, चावल खाए हैं और गर्मी बहुत है, हवा भी चल रही है, सूरज नहीं है लेकिन गर्मी है, ऐसी गर्मी है कि दिल को घबराहट महसूस हो रही है। अब मैं अपने कारखाने जाके काम स्टार्ट करूँगा, देखता हूँ लाइट है कि नहीं है और अल्लाह करीम से दुआ है कि मौसम को ठंडा कर दें, अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जी तो जनाब अल्लाह का शुक्र है कि काम पे गए थे और काम पे काम करने के बाद सियालकोट से वापस आ गया हूँ, अपने मोहल्ले में खड़ा हूँ, गली के बाहर जो मेरा मोहल्ला है उसके बाहर है गला मंडी, और गला मंडी में आजकल आ रहा है सूरजमुखी, बहुत ही ज़्यादा मकदार में आ रहा है, इतने मकदार में तो कनक भी नहीं आई। ये ढेर लगे हुए हैं सूरजमुखी के, ये देख सकते हैं तोड़ों में बंद है, गला मंडी बहुत बड़ी है। ये इस तरफ भी आप देख सकते हैं जहाँ आपको ये काले काले ढेर नज़र आ रहे हैं तो सब सूरजमुखी है। और अब मैं जाऊँगा घर और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी वगैरह पीऊँगा जा के, पानी भी घर में गर्म ही होना है, बच्चे कौन से घर, अगर घर होते तो पानी बना के रखते हैं ठंडा, कोई बात नहीं। आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, अल्लाह हाफिज़।